हेलो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए डोर, जो आपने देखी होगी। तो उसमें एक पार्ट था थ्रेशोल्ड। तो एक स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया था कि सर थ्रेशोल्ड क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है और कहाँ पे उसका यूज होता है। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो ये आपका डोर का पार्ट जो मैंने बताया था, तो इसमें नीचे वाले पार्ट है, ये हमारा थ्रेशोल्ड होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि तीन साइड तो देखो हमारी चौखट होती है, नीचे वाले पार्ट में हम चौखट नहीं लगाते। अगर हम उस चौखट वाले पार्ट को यूज करें तो वो काफी थिक एरिया हो जाता है वहां पे, तो हम वहां पे थ्रेशोल्ड का यूज करते हैं हम उसकी कवरिंग के लिए। ओके, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअल में जो थ्रेशोल्ड होते हैं, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे इस तरीके से यहाँ पे हम कवरिंग के लिए लगाते हैं, ताकि वो एरिया और ये एरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। अगर यहाँ पे पानी का कोई यूज हो रहा है तो वो उस साइड ना जा पाए। तो इस चीज को हम वुड से भी कवर कर सकते हैं और स्टोन से भी कवर कर सकते हैं। तो काफी सारे आपके पास एग्जांपल है कि इस टाइप के आपके थ्रेशोल्ड हैं। आपके एल्यूमिनियम या मेटल्स के थ्रेशोल्ड भी मिलते हैं आपके मार्केट में, जिनको भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो और भी आपको थ्रेशोल्ड अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखो इस तरीके से चौखट अगर नीचे लगा दी तो उस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं, इसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो थ्रेशोल्ड होता है वो मेनली लगता है आपका मेन डोर पे। मेन डोर पे हमारा थ्रेशोल्ड को लगाया जाता है। उसके बाद जो अंदर का एरिया होता है उसे हम बिल्कुल ओपन रख देते हैं, वहां पे कोई थ्रेशोल्ड हम यूज नहीं करते, अगर हमें सेम टाइल्स का यूज करना है। बट अगर हम यूज करना चाहते हैं, जैसे इस तरीके का मेन डोर पे हम लगाते हैं कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे होता है। मेनली जो हमारा लगता है वो टॉयलेट वगैरह में लगता है, जहां से पानी का होता है, बाहर पानी ना आए। अगर आपका टॉयलेट और रूम का लेवल इक्वल है तो बीच में उस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम थ्रेशोल्ड का यूज करते हैं, ताकि आपका ये एरिया और ये एरिया कवर रहे, वहां का पानी इधर ना आए और इधर का पानी को हम कभी भी वहां पे डाल पाए। ऐसे हम इस चीज को कवर करने के लिए थ्रेशोल्ड का यूज करते हैं। मार्केट में काफी सारे टाइप्स के थ्रेशोल्ड जो आप यूज कर सकते हो, वुडन थ्रेशोल्ड, मेटल्स के थ्रेशोल्ड्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कवर करना चाहते हो। अगर आपका एरिया इक्वल है, अगर आपका लेवल इक्वल है इनर और आउटर, तो थ्रेशोल्ड आप बिल्कुल छोटे यूज करें। अगर आपका बड़ा है तो जितना आपके साइज के अकॉर्डिंग वो थ्रेशोल्ड यूज कर सकते हैं। क्योंकि थ्रेशोल्ड में क्या प्रॉब्लम भी क्या है कि जब आप इस पे चलते हो तो इस पे ठोकर लग के गिरने का बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर आपका ऐसे भी होता है। तो इस तरीके से हम इस थ्रेशोल्ड को यूज कर सकते हैं। जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम थ्रेशोल्ड यूज करते हैं। मेनली हम मेन डोर पे ही थ्रेशोल्ड यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।